ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर है सिंगापुर से, खबर है ब्रुनेई से, और खबर इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिनों के दौरे पर गए हुए हैं। उनका ब्रुनेई का दौरा पूरा हो चुका है और वे अब सिंगापुर में हैं। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि यह दौरा आखिर क्यों किया जा रहा है और भारत का इससे क्या फायदा है, तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि भारत काफ़ी पहले ही लुक ईस्ट पॉलिसी की बात कह चुका है और पीएम मोदी का ये 3 दिनी दौरा भी इसी का एक हिस्सा हम कहेंगे। बात यह है कि पीएम मोदी वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो बीते 40 सालों में पहली बार ब्रुनेई के दौरे पर गए हैं। वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकैया से मुलाकात की और उनके साथ लंच भी किया। इसके अलावा वे वहां पर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी देखने गए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब ब्रुनेई पहुंचे तो एयरपोर्ट पर शहजादे अल मुहतदी बिल्लाह ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी यहां दिया गया। प्रधानमंत्री ने इस विजिट के दौरान की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट की हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट में लिखा है कि महामहिम सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत में काफ़ी व्यापकता थी और इसमें हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपाय शामिल थे। हम व्यापार संबंधों, वाणिज्यिक संपर्कों और लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान का और विस्तार करने जा रहे हैं। उधर पीएम मोदी का सिंगापुर दौरा ऐसे समय पर हुआ जब अगले साल दोनों सिंगापुर और भारत के बीच राजनयिक संबंधों को 60 साल हो जाएंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान दोनों के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा, एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर्स भी शामिल हैं। उनका यह दौरा इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगापुर में सरकार बदल चुकी है। लॉरेंस वोंग देश के नए पीएम बने हैं। वहीं आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इसीलिए भी यहां बिजनेस और निवेश को लेकर काफ़ी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खबर तो ये भी है कि सिंगापुर विजिट के दौरान चाइना सी और म्यांमार को लेकर बातचीत हो सकती है। भारत इस समय एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। इस पॉलिसी की शुरुआत भारत ने नवंबर 2014 में 12वें आसियान भारत शिखर समिट के दौरान की थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में बढ़ रही समुद्री क्षमता का मुकाबला करना और साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी बनाए रखना है। कारण यह है कि साउथ चाइना सी में चीन लगातार अपना दबदबा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जिस वजह से उसका कई देशों के साथ विवाद बीते दिनों भी हुआ है और अभी भी हो रहा है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी के कुछ हिस्से पर चीन अपना दावा भी कई बार ठोक चुका है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी अहम कहा जा रहा है। पहले बात ब्रुनेई की कर लेते हैं। तो एक तरफ साउथ चाइना सी और एक तरफ मलेशिया से घिरे इस देश की आबादी सिर्फ 4 लाख है, और अगर भारत वंशियों की बात करें तो उनकी आबादी यहाँ पर करीब 14 से 15 हज़ार बताई जाती है। भले ही मुस्लिम देश ब्रुनेई एक छोटा सा देश कहलाता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई मुल्क शायद ही होगा जो उसे नज़रअंदाज कर पाए। कारण है उसकी जियोग्राफिकल स्थिति और वहाँ की आर्थिक संपन्नता। शरिया का पालन करने वाला छोटा सा मुल्क ब्रुनेई टैक्स लिए बगैर लोगों को मुफ्त में शिक्षा और इलाज भी देता है। वैसे आपको बता दें कि बीते साल विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी एक डेलीगेशन लेकर ब्रुनेई गए थे और तब दोनों देशों के बीच ये तय हुआ था कि भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों के 40 साल जब पूरे होंगे तो एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे, और इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई पहुंचे। ब्रुनेई डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी सभी के लिहाज से अहम है। एक और बात ये भी कि जब भी भारत अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उनकी ट्रैकिंग के लिए दुनिया के कई स्थानों पर भारत ने ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर बना रखे हैं और ब्रुनेई में भी इनमें से एक सेंटर है। और ईस्ट की तरफ जब सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो यहाँ पर यह सेंटर बखूबी काम करा और यहीं से उसकी निगरानी की जाती है। चंद्रयान की भी निगरानी यहीं से हुई थी। इधर एनर्जी के क्षेत्र में भी अहम साझेदार है ब्रुनेई हमारा, और ब्रुनेई में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान चाइना की तरफ से हो चुका है। $12 अरब का हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट जो है उसमें चीन अपना इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर चुका है, और चूंकि पूरा मामला व्यापार से जुड़ा होता है आप जानते ही हैं, तो भारत की कोशिश यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस और ट्रेड को गति दे सके, अपनी तरफ बुला सके। उधर जब पीएम सिंगापुर पहुंचे हैं तो खबर ये भी है कि उनका ये दौरा तब हो रहा है जब सिंगापुर और चीनी नौसेना साथ में अभ्यास करने में जुटे हुए हैं। लेकिन भारत के लिए सिंगापुर न केवल अहम है बल्कि उसका पुराना पार्टनर भी है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वहाँ पर
नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने कमान संभाल ली है और ऐसे में रिश्तों को प्रगाढ़ता या मजबूती देने के लिए भी दौरा अहम है। वैसे भी जब पीएम मोदी रवाना हुए थे तो उन्होंने ये उम्मीद जताई थी और कहा था कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के अलावा वृहद आसियान क्षेत्र की भी भारतीय साझेदारी और मजबूत होगी।